लेबर पेन जो है वो दुनिया का सबसे सिवियर अमाउंट ऑफ पेन, अगर हम पेन को 0 to 10 के स्केल पे नाप नापें तो 10 विल बी लेबर पेन। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने ऐसा बनाया है और ये महिला को कष्ट देने के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके थ्रू आप जो रिजल्ट पाते हैं वो खैर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो प्रेगनेंसी के समय काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि लेबर पेन के नाम से डरना नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है, सबको हुआ है और सेफली हुआ है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो पहले तो ब्रेन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि हाँ लेबर पेन एक नेचुरल चीज है, मैं भी फेस कर लूंगी, मैं भी कर पाऊंगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सेकेंडली, आजकल हमारे पास काफी ड्रग्स और काफी तरीके हमारे पास रहते हैं जिनसे हम पेशेंट को कुछ हद तक रिलीफ दे सकते हैं, भले ही 100% रिलीफ ना दे पाए लेकिन कुछ हद तक हम हेल्प कर सकते हैं, हम रिलीफ दे सकते हैं, ताकि ये जो 8 से 10 घंटा प्रसव का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आपको हम कुछ मदद कर पाए। लेबर पेन कैसे समझेंगे पेशेंट्स की हाँ ठीक है अब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 7वें 8वें महीने से ही कई बार महिलाएं आती है हमारे पास ये बोलते हुए कि मेरा जो पेट है, मेरा जो यूट्रस है, ये काफी टाइट फील होता है मुझे, बेबी का मूवमेंट सही है लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में कड़ा हो जा रहा है। इसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये पेनफुल नहीं होता है, ये सिर्फ यूट्रस का एक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि यूट्रस एक रिप्लाई देता है प्रेगनेंसी को कि पेट का बीच बीच में कड़ा हो जाना। जब यही कॉन्ट्रैक्शन पेन के साथ आता है, मतलब महिलाएं आके हमारे पास बोलेंगी कि मेरा पेट कड़ा हो रहा है और उस समय मुझे पेन भी हो रहा है लेकिन फिर 2 मिनट के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाए और मुझे अब और कोई पेन नहीं है, ये प्री लेबर पेन है, ये अब आप लेबर की तरफ जा रही हैं। इसको समझना जरूरी है कि पेट का सख्त होना या कड़ा होना और उसके साथ पेन महसूस करना, फिर धीरे धीरे पेन कम हो जाए और पेट वापस से नर्म हो जाए तो ये अब हम टुवर्ड्स लेबर जा रहे हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि इसी पेन का इंटेंसिटी बढ़ना शुरू किया कि पहले मुझे 10 सेकेंड तक पेन हो रहा था, अब 20-30 सेकेंड तक रह जा रहा है, पहले मुझे कम पेन हो रहा था, अब काफी पेन हो रहा है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, पहले शायद आधे घंटे में एक बार हो रहा था, अब आधे घंटे में 2 बार हो जा रहा है। तो धीरे धीरे पेन का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना, पेट कड़ा होने के साथ फिर रिलैक्स हो जाना, इसे हम लेबर पेन बोलते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं कि मैडम कुछ वाटर डिस्चार्ज जैसा या कफ म्यूकस डिस्चार्ज जैसा हुआ है, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी था, तो ये भी एक इंटेंशन है कि अब आप लेबर में जा रही हैं, कि इसे शो कहते हैं। ये लेबर स्टार्ट होने इनिशियल फेज में कई बार शो का आना भी एक इंडिकेशन है कि अब आप लेबर में जा रही हैं। कई बार पेशेंट्स ये बोलते हुए आते हैं कि बार बार यूरिन लग रहा है, नीचे की ओर पेड़ू में प्रेशर फील हो रहा है, बार बार यूरिन और बार बार बाथरूम जाने की इच्छा हो रही है, तो ये सब सब इंडिकेशंस है कि हाँ ठीक है अब बेबी का हेड नीचे आ रहा है, अब आप धीरे धीरे लेबर की तरफ जा रहे हैं। पेन एक सब्जेक्टिव फेनोमेनन है। कई बार लेडीज आती हैं जो पेन लेकर हमारे पास आती हैं, लेकिन हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अभी तक लेबर में नहीं है लेकिन फिर भी उनको वो डिस्कम्फर्ट या पेन वाला फीलिंग आ रहा है, तो अगर हम वहां से काउंट करें तब तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितने देर लेबर में जाएंगे। हमारा जो यूट्रस का जो माउथ होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो धीरे धीरे खुलता है और बेबी का हेड धीरे धीरे नीचे आता है। 0 से 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, 10 सेंटीमीटर जाने में कई बार उन महिलाओं के जिनका ये फर्स्ट डिलीवरी है उन्हें कुछ थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, सेकेंड एंड थर्ड बेबीज में ये समय कई बार कम हो जाता है। तो 10 to 12 hours कई बार 0 to 10 होने में फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना समय लग सकता है। शुरू का फर्स्ट 3-4 सेंटीमीटर काफी पेनफुल नहीं होता है, लेट फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज ज्यादा पेनफुल होता है। तो पेन स्टार्ट होने से डिलीवरी तक का ड्यूरेशन बता पाना ये संभव नहीं है, लेकिन यूजुअली 10 to 12 hours फर्स्ट प्रेगनेंसी में लग सकता है, सेकेंड एंड थर्ड में इससे कम ही लगता है, और सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी में मदर को कष्ट भी कम होता है, प्रोग्रेस भी फास्ट होता है, प्लस क्योंकि एक बार पहले बर्थ कनाल वाइड हो चुका है तो बेबी को नीचे आने में भी उतना समय नहीं लगता है। तो अगर समय हम देखें तो 12 आवर्स एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 घंटे आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं डिलीवरी के। दर्द तो डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन दर्द का कोई इंटेंसिटी मापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि किस पेन को हम बहुत ज्यादा पेन बोलेंगे, लेकिन
यूट्रस का कड़ा होना, जैसे मैंने आपको बताया था, उसे टच करके हम फील कर सकते हैं कि हाँ डिम्पलिंग हो रहा है या पेन काफी होने की वजह से यूट्रस और डिम्पल नहीं हो रहा है। सेकेंडली, कितनी फ्रीक्वेंसी पे पेन आ रहा है उससे हम लोग जज करते हैं कि मदर सेकेंड स्टेज में है या फर्स्ट स्टेज में है, और अब और उन्हें कितना समय लगेगा पेन के लिए। कुछ पेशेंट्स फर्स्ट स्टेज में भी काफी पेन कंप्लेन करती हैं, और कुछ पेशेंट्स होती हैं जो सेकेंड स्टेज को भी बहुत इजीली कैरी कर सकती हैं। और जहां तक यह है कि पेन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बोल के ऐसा हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन पेन इतना सफिशियंट होना चाहिए कि वो बेबी को नीचे की तरफ पुश करे, और बेबी का हेड भी जो हम लोग एग्जामिनेशन करके मेजर करते हैं वो कितना नीचे आया उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कई बार ऐसा है कि मदर पेन कंप्लेन कर रही है लेकिन हमारे एग्जामिनेशन से ये हमें पता चल रहा है कि बेबी का हेड काफी नीचे नहीं आया है या सर्विक्स काफी नहीं ओपन हुआ है, तब हम पेन की इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ मेडिसिन के द्वारा या कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा हम पेन बढ़ाना या इंड्यूस करना या ऑगमेंट करना जिसे बोलते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने पेन में बेबी कितना नीचे आ जाए, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपको और मेडिसिन दे करके और प्रोसीजर करके पेन बढ़ाने की जरूरत है या इतना पेन सफिशियंट है इस बेबी को पुश आउट करने। ऑल्सो ये भी बहुत जरूरी है कि पेन भले ही हो और अगर पैसेज इज नॉट प्रॉपर, मतलब बेबी का जो हेड का साइज है वो मदर के उस पैसेज के द्वारा आने लायक नहीं है, या बेबी का जो हेड का साइज है वो मदर के पैसेज से बड़ा है, तो आप कितना भी पेन कराओ बेबी का हेड नीचे नहीं आएगा। कई बार हेड का साइज या कई बार पोजिशन पर भी डिपेंड करता है कि बेबी नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जरूरी है कि बेबी का हेड का पोजिशन कितना है और साथ में कॉन्ट्रैक्शंस कितना है, उससे हम अंदाज लगाते हैं कि ये डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। काफी पेन आना और बेबी का हेड एक ही पोजीशन पे काफी देर तक फंसा रह जाना, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, उसमें कई बार नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती है भले ही पेशेंट को कितना भी पेन क्यों ना आए। तो कुछ सिचुएशन ऐसा है जो हमें क्लिनिकली जज करना होता है कि हाँ ठीक है, पेन का इंटेंसिटी अच्छा है, पेन का फ्रीक्वेंसी अच्छा है, लेकिन बेबी नीचे नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से बेबी पास नहीं आ पा रहा है अपने इस रास्ते के बर्थ कनाल के थ्रू। तो बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ हम लोग मिला करके एक डिसीजन लेते हैं कि इनका पेन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, क्या ये पेन सफिशिएंट है या नहीं है, बेबी का हेड का साइज क्या है, बेबी का हेड फ्लेक्स्ड है या नहीं है, हेड एक्सटेंडेड तो नहीं है, ये बर्थ कनाल के द्वारा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तभी हम ऑगमेंट या इंड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं। ये चीज तो पेन कम करना या मदर का साथ देना शुरू के 9 महीने से ही स्टार्ट हो जाता है कि हम पहले से उन्हें प्रिपेयर करते हैं कि अब आप कैसे समझे कि आपको पेन स्टार्ट हो गया है, आपको हमारे पास कब आना है, कितना आप बर्दाश्त कर सकेंगी, कितना पेन के बाद आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो यूजुअली हमारे पास जो मदर्स आती हैं डिलीवरी के लिए, हमारे पास 9 महीने से आ रही हैं, हम उन्हें पहचानते हैं, हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं, हम उनका एग्जामिनेशन जानते हैं, हमें पता है कि इनका हाई रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो वो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, इस पेशेंट की डिलीवरी सेफली हो जानी चाहिए, और हम उस हिसाब से उन्हें टेकअप करते हैं। मदर आई, हमने प्रिपेयर किया, जो भी सिचुएशन है पेशेंट के साथ, अटेंडेंट के साथ डिस्कस किया, पेशेंट को एडमिट किया, और उसके बाद एग्जामिन किया कि हाँ अब एक टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होना चाहिए इनकी डिलीवरी का, एक वो तैयार करते हैं। एक चार्ट होता है जिसे हम पार्टोग्राफ कहते हैं, वो चार्ट पे हम हमारा जो एग्जामिनेशन का जो फाइंडिंग्स होता है उसको प्लॉट करना शुरू करते हैं, और उस चार्ट के द्वारा हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी डिलीवरी सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, कोई डिले तो नहीं। तो एक तो ये हमारे क्लिनिकल यूज के लिए है। जहां तक पेशेंट्स के पेन का सवाल है, वो हम लोग मदर कितना बेयर कर पा रही है, थोड़ा सा ही डायलिटेशन में क्या मदर बहुत कष्ट में है, क्या हम वेट कर सकते हैं, मदर को थोड़ा थोड़ा फ्लूइड जो ओरल लिक्विड्स है सिप करने देना है, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन सिखाते हैं। एक बर्थ अटेंडेंट मदर के साथ थ्रू आउट रहती है जो कि डिसाइड करती है कि इन्हें हॉट वाटर बाथ देना है या मसाज देना है या एक्सरसाइज कराना है, या वो किस पोजीशन में बर्थ करना चाहेंगी, उन्हें क्या कंफर्टेबल लग रहा है। प्लस जब बिल्कुल डिलीवरी का समय आ जाता है उस वक्त फिर हम लोग पेशेंट को लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं,
किस पोजिशन में आप बर्थ देना चाहेंगी, आप वाटर बर्थ करना चाहेंगी या नहीं, ये सब लोग पहले से डिस्कस करके रखते हैं और अकॉर्डिंगली अपने प्लान के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मदर्स भी प्रिपेयर्ड रहती हैं, अटेंडेंट्स भी प्रिपेयर्ड रहते हैं और फिर उस हिसाब से हमारे पास आते हैं। शुरू में हम उन्हें सिखाते हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्शंस को फील करना शुरू कीजिए। कैसे कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हैं? पेट कड़ा हुआ, आप एक लंबी सांस लेंगी, फिर पेट रिलैक्स हो गया, आप वापस से रिलैक्स करेंगी। आप अपने पसंद का योगा कर सकती हैं, आप टहल सकती हैं, बीच बीच में लिक्विड सिप कर सकती हैं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, बेबी भी हाइड्रेटेड रहे। अगर पेन बहुत ज्यादा है तो फिर हम लोग आपको हॉट वाटर बाथ के लिए ले जाते हैं, या फिर एक जकूजी जैसा होता है जिसमें आप मदर को कुछ वहां बैठा है तो कुछ रिलैक्सेशन होता है, कुछ थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है। उससे भी ज्यादा अगर आप आपको अगर पेन फील हो रहा है तो एक बॉल जैसा होता है जिसके ऊपर हम मदर्स को एक्सरसाइज करने के लिए सिखाते हैं कि आप अपने बैक को कैसे रिलैक्स करें, अगर बैक पेन हो रहा है तो आप उसको कैसे यूज करें, उसको उस बॉल को कैसे इस्तेमाल करना है। प्लस कुछ पोजीशंस, अगर आप चाहें कि ठीक है मुझे स्ट्रेट लेटकर आराम नहीं है, मैं करवट होना चाहती हूँ या मैं नी एल्बो पोजीशन में रहना चाहती हूँ, तो उस पोजीशन को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं कि आपको आपके मन चाहे पोजीशन में डिलीवरी कराई जाएगी। प्लस लंबी सांस लेना, घूमते फिरते रहना, कॉन्ट्रैक्शंस के समय पुश करना, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाने के बाद रिलैक्स करना, दोबारा उसी फ्रीक्वेंसी जब जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आता है उसी तरह सिंक्रोनसली बेबी को पुश करके बेड को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करना। तो ये सब तरीके आप घर पर भी कर सकती हैं। डॉक्टर या किसी बर्थ अटेंडेंट की जरूरत सिर्फ लास्ट स्टेज में पड़ती है, जब हाँ अब आपको बेबी सेफली निकालना है, अगर कुछ स्टिचेस देना है या कहीं टेयर हो गया तो उनको रिपेयर करना, या थ्रू आउट बेबी के मूवमेंट को आप मॉनिटर करना। डॉक्टर्स का बस यही काम है, बाकी सारा नेचुरल प्रोसेस है, आप खुद भी इसको घर पर कर सकती हैं। और एक स्टेज के बाद जब आपको लगा कि नहीं अब ये बेरेबल नहीं है, तब आप हमारे पास आए, हम आपको कुछ मेडिसिन दे करके या एपिड्यूरल दे करके पेन रिलीफ करें और आपको मॉनिटर करते रहें डिलीवरी तक। पार्टनर का साथ होना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं, इनफैक्ट हम इंसिस्ट करते हैं कि जब आप चेकअप्स के लिए आते हो तो भी आप अपने पार्टनर के साथ आओ, आप जब एक्सरसाइजेस के लिए आते हो 9 महीने के दौरान तो भी आप अपने पार्टनर के साथ आओ। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो कि मदर और बच्चे में तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आता है, फादर और बच्चे में भी आएगा। साथ में डिलीवरी के समय पार्टनर साथ में है, हस्बैंड है तो बहुत अच्छी बात है, कई बार हम मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उनको भी डिलीवरी रूम में अलाउ करते हैं। किसी भी कंपेनियन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग विद द बेबी प्लस बॉन्डिंग विद द मदर। वो पेन जो कि मदर फील कर रही है अगर फादर ने सामने से फर्स्ट पर्सन में देखा है तो उन्हें भी ये एक अंदाजा मिलता है कि ये कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है जो किसी ने आपके बेबी को बर्थ करने के लिए बेयर किया है। प्लस जब ये बेबी आता है जो फर्स्ट टच होता है, मदर को तो हम मदर के पेट पे कंगारू मदर केयर के लिए देते ही हैं, लेकिन फादर्स भी कई बार उस समय इतने इमोशनल हो जाते हैं कि ठीक है हमारा बेबी, हमने इसे फर्स्ट टाइम देखा, ये कैसे आया, सब कुछ वो देखते हैं और मॉनिटर करते हैं। मदर्स के लिए एज वेल एज बेबी के लिए, इनफैक्ट फादर्स के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है कि आप डिलीवरी रूम में रहो, हर एक चीज को समझो, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करो। मदर को पेन तो मदर को ही बेयर करना है, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट जो पार्टनर्स दे सकते हैं डिलीवरी के दौरान वो बहुत ही जरूरी है। काफी हद तक बहुत सपोर्ट और ये जो पेन का जो कष्ट है ये भी काफी हद तक कम हो जाता है अगर कोई अपना डिलीवरी रूम में आपके बगल में खड़ा हो तो। तो सिर्फ फिजिकली उनको हेल्प कर देना, सर दबाना या कमर दबाना या पानी पिलाना नहीं, उनसे बातें करना, उनको प्रोत्साहन देना कि यस यू आर डूइंग वेरी वेल, थोड़ा सा और, कुछ और 1 घंटे फिर ऐसा होगा, तो इन सब तरह की बातों से भी मदर को काफी ढाढ़स मिलता है, काफी एनकरेजमेंट मिलता है और डिलीवरी काफी स्मूथ होती है।